मैं प्रोफेसर रूपम यादव, ओबीसी नेशनल ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर, झारखंड प्रभार मुझे मिला है और मेरा यहाँ फर्स्ट ट्रिप है। मैं पहली बार यहाँ झारखंड में आई हूँ और यहाँ विशेष रूप से ओबीसी का संगठन किस तरह फंक्शन में है, कैसे कार्य कर रहा है या उसमें क्या कमी है या क्या जोड़ने की जरूरत है, कैसे मजबूत किया जाए संगठन को, इस चीज को विशेष रूप से देखने और उसमें मदद करने के लिए मैं यहाँ झारखंड में आई हूँ। और यहाँ हमने जो देखा है वो कमेटी अच्छे तरह से काम कर रही है, जो कांग्रेस के जो क्राइटेरिया है, जो नियमतः जिस माध्यम से जिस लिए बनाया गया है तो वो उद्देश्य को पूरा कर रहा है। और मैं उसी चीज को और उसमें जो कमियां हैं या जो मेरे तरफ से जो संभव हो सकेगा लोगों को जोड़ने के लिए, जो ओबीसी में जितने भी तरह के लोग उसमें हैं, जितने भी वर्ग उसमें जुड़े हुए हैं, वो सारे लोगों को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनके हित के लिए जो भी संभव होगा, जो भी कार्य चल रहे हैं, उनको जो फायदे नहीं मिल रहे हैं, जो बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, हम उसको पूरी तरह करने का, मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे कि जिससे वो आर्थिक रूप से संपन्न भी हो सके, उन्हें रोजगार भी उपलब्ध हो सके और साथ ही हमारी पार्टी से भी वो जुड़ सके। कहीं ना कहीं ये कमियां हमारे तरफ से भी रही है कि हम ऐसे लोगों को शायद हम नहीं जोड़ पाए हैं और ऐसे लोगों को मदद नहीं कर पाए हैं जिसका नुकसान हमें मिल रहा है, तो इसके कारण हम इसकी भरपाई के लिए ही और इन्हें जोड़ने के लिए भी, इन्हें मदद पहुंचाने के लिए ही विशेष रूप से हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जो खास करके यहाँ झारखंड में हमने जो देखा है कि रिजर्वेशन वाला मैटर भी बहुत ज्यादा संघर्षशील लोग रहे हैं इसके लिए, जो 14% का रिजर्वेशन था, जबकि नई सरकार जो पहले जो बीजेपी की बनी थी उसके बावजूद भी उसको नहीं बढ़ाया गया, उस पर काम नहीं किया गया और जो कहने के लिए डबल इंजन की सरकार रही लेकिन उस रूप अनुरूप काम नहीं किया गया। लेकिन अभी जो गठबंधन की सरकार बनी है इसमें एक फायदे तो हुए कि जो उन्होंने जो मैनिफेस्टो कमेटी में जो डिमांड था उसको पूरा करने का कार्य इन्होंने किया और 27% रिजर्वेशन देकर इन्होंने यहाँ से पारित किया और भेजा। अभी तक पता नहीं किस कारण से वो गवर्नर के पास शायद वो लंबित है और कोशिश होनी चाहिए कि जल्द से जल्द उन्हें केंद्र में भेजा जाए और वहां से पास कराने की प्रक्रिया होनी चाहिए जिसका लाभ लोगों को मिल सके। और इन लोगों का जो यहाँ का जो मैनिफेस्टो कमेटी में और इन लोगों का जो डिमांड रहा है उस पर जो कार्रवाई होनी है उसके लिए लोग मांग रख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो उनकी वो जो डिमांड है वो धीरे धीरे उस तरह जो आगे बढ़े और वो चीज पूरा किया जाए। जातीय जनगणना की भी बात उठ रही है और इस पर भी इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया है कि ये चीज होनी चाहिए। हालांकि इसका डिमांड तो हमको लगता है कि देश में कई जगह इस तरह की डिमांड होती है जातीय जनगणना और ये होनी चाहिए और कहीं हुए भी है तो उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, तो ये सब होना चाहिए। और उस आधार पर क्योंकि जो भी ओबीसी और से जुड़े हुए लोग हैं उनको जितना मदद मिलना चाहिए या उनको जितनी सीट मिलनी चाहिए, जो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और ऐसे लोग और धीरे धीरे करके और साइड होते चले जा रहे हैं, पिछड़ते चले जा रहे हैं। जब सामाजिक एकरूपता की बात होती है, सबको साथ लाने की बात होती है तो फिर इस चीजों में पीछे रहने का क्यों इस तरह का प्रयास होता है कि उनको आगे लाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है या उनको उस तरह से मौका नहीं दिया जा रहा है, तो वो चीज होनी चाहिए। और इसका डिमांड हर जगह से उठ रहा है और प्रयास कर रहे हैं लोग कि ये मांग मानी जानी चाहिए। दूसरा, यहाँ का जो लोकल जो मुद्दे हैं वो लोकल मुद्दे पर भी जो काम किया जा रहा है और जो डिमांड इन लोगों का है उसके अनुरूप काम हो रहे हैं लोग उनको बेनिफिट पहुंचाने का। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।